दोस्तों, विंडोज 11 में बहुत सारी फीचर्स आती रहती है, लेकिन आज जो मैं फीचर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपकी सारी विंडोज 11 की प्रॉब्लम्स को हल कर देगी। ये फीचर विंडोज 10 में भी था, लेकिन इसको बहुत कम लोग जानते हैं एंड उसके वजह से बहुत कम उपयोग हुआ है इस फीचर का। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप अपनी RDP की सारी प्रॉब्लम्स को आप एक बार में सुलझा सकते हैं इस इन बिल्ट फीचर के मदद से। तो बिना कोई देरी के गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सैंडबॉक्स के बारे में। सैंडबॉक्स और वर्चुअल बॉक्स, इन दोनों में क्या अंतर है? वर्चुअल बॉक्स जो होता है उसमें ISO हम लोग डालते हैं, एक्सटर्नल फाइल होता है, डाउनलोड करते हैं OS और उसके बाद RAM वैम सेट करते हैं, ओके करते हैं और हम लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन सैंडबॉक्स में क्या होता है, आपको कोई भी एक्सटर्नल ISO फाइल की जरूरत नहीं है, ये विंडोज़ में प्री लोडेड आता है, आपको बस सेटिंग्स चेंज करना होता है एंड यू आर गुड टू गो। तो इसको एनेबल कैसे करें मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सर्च बार में जाना है, सर्च बार में आपको विंडोज़ फीचर्स टर्न ऑन एंड ऑफ पे क्लिक करना है। आप वहाँ क्लिक करोगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स आएगा, आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है और आपको विंडोज सैंडबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, टिक कर दो, ओके करोगे तो रीस्टार्ट होने लगेगा PC। जब रीस्टार्ट हो जाए तो आपको फिर से सर्च बटन पे जाना है और वहाँ पे आपको सर्च करना है विंडोज सैंडबॉक्स एंड आपका जो है ये विंडोज सैंडबॉक्स खुल जाएगा। विंडोज वालों ने इसको इसीलिए बनाया ताकि ये किसी के भी PC में रन कर सके, ताकि लोग अपने मेन कंप्यूटर पे मेलिशियस फाइल रन करके अपने मेन PC को हार्म ना करें और ये सब सैंडबॉक्स में ट्राई करें। जब हमारे पास वर्चुअल बॉक्स है तब हमें सैंडबॉक्स की क्या जरूरत है? वर्चुअल बॉक्स जो है हर PC पे रन नहीं कर सकता, अगर उसको करना भी है तो उसके लिए ज़्यादा RAM की जरूरत है, लेकिन सैंडबॉक्स जो है आपको बस किसी भी PC में एनेबल कर देना है एंड ये ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा। ज्यादा रैम भी यूजेज नहीं करेगा, बहुत लिमिटेड यूज है एंड इस पे जो भी है फाइल्स आपका रन करेगा, जो भी सिस्टम का जो भी सेटिंग्स है आपको ऑटोमेटिकली प्री लोडेड आता है। तो गाइज, दैट इज इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ऐसे ही और भी चीजें मैं जल्दी ही लेके आ रहा हूं आपके पास।